हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मदार। आप सब लोगों का आज की इस नई वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है वो ट्रैक्टर बैटरी का सीजन आ रहा है। इससे ये होता है कि जब हम बैटरी लेने जाते हैं तो हमें बहुत सारी कंपनियों की बैटरी मिलती हैं, हमें समझ नहीं आता है कि ट्रैक्टर के लिए हम अच्छी कंपनी की बैटरी कैसे खरीदें। आज मेरे पास है एसप सोनिक की बैटरी, बहुत अच्छी है, जिसकी मैं बहुत टाइम से सेल कर रहा हूँ, अच्छी बैटरी सेल करता हूँ। एसप सोनिक की क्लेम बिल्कुल भी नहीं है, क्लेम तो हर कंपनी में है, लेकिन किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो एसप सोनिक में मेरे हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर क्लेम है, आपको ले लेना चाहिए। पहले मैं आपको बैटरी के बारे में बता देता हूँ, समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ कौन सी बैटरी लेनी चाहिए, कितने एच की लेनी चाहिए और किस कंपनी की लेनी चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी होती है अगर आप बैटरी लेने वाले हो ट्रैक्टर के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे जो लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ट्रैक्टर की बैटरी हमारी ख़राब होती है, हमें बैटरी लेने लेते टाइम दिक्कत ना आए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं बात करूँगा, आज मेरे पास एसप सोनिक की बैटरी है जेट। उसके बाद दोस्तों मैं इसका पूरा सिस्टम बताऊंगा आपको, कितने की है, कितने की लेना चाहिए, पुरानी कितने की होती है। और दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है मैं वो पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये जो है वो 100 एएच की बैटरी है, ठीक है, इस पर सामने लिखा है 100 एएच 100, ठीक है। जब भी हम बैटरी लेते हैं तो कुछ लोग जो है वो 80 एएच की ले लेते हैं पैसों के मारे, या फिर छोटी बैटरी ले लेते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको 100 एएच की बैटरी लगाना चाहिए, क्योंकि जब जाड़ों में ठंड में लोड पड़ता है तो बैटरी जो है वो दबती है ठंड में, जब ट्रैक्टर जाम हो जाता है, इंजन जाम होता है, तो इसलिए वो बैटरी पर लोड पड़ता है और बैटरी ख़राब हो जाती है। कुछ रुपए के लालच में आप बड़ी बैटरी छोटी बैटरी ना रखाएं, बल्कि बड़ी बैटरी ही रखाएं। और ये एक्साइड की ही बैटरी होती है, यहाँ पर लिखा होता है एक्साइड और उस पर लिखा भी है एक्साइड हाउस। अभी मैं पहले इस बैटरी को निकाल कर दिखाता हूँ आपको, फिर इस बैटरी के बारे में बात करेंगे हम। और जैसे कि ट्रैक्टर के लिए जो है बैटरी अच्छी कंपनी की और बढ़िया जानदार बैटरी ही काम करती है, वरना बैटरी 1.5 साल गारंटी पूरी करने के बाद ख़राब हो जाती है। ये गारंटी कार्ड है और ये इस टाइप का आता है, और ये ख़राब ना हो 1.5 साल तक आपके पास होना चाहिए। ये बैटरी कुछ देखने में इस टाइप की है, और इसमें जो है कुछ कुछ बैटरी होती है उसमें ढक्कन जो होती हैं वो ऊपर कसने वाले होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो अच्छे से अंदर से बहुत शाइनिंग वाली बैटरी है। अभी मैं बाहर निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो एकदम नंबर वन A1 क्वालिटी की बैटरी है, बहुत अच्छी शाइनिंग है ऊपर से भी साइड से भी, और यहाँ पर लिखा है ऑल इंडिया सर्विस नेटवर्क एसप सोनिक पावर लाइन, और ये टोल फ्री नंबर है, 18 महीने की रिप्लेसमेंट है। अगर कोई भी फॉल्ट बैटरी में आता है 1.5 साल तक तो हमें कोई रुपए नहीं देना होंगे, इस 1.5 साल के अंदर एक दिन भी अगर होगा तो बैटरी हमको नई मिल जाएगी। कुछ कंपनियां यहां पर 36 लिख देती हैं, लेकिन उसकी गारंटी भी 18 मंथ की ही होती है। उसके बाद ये जो होती हैं ये टर्मिनल होते हैं, कभी भी अगर टर्मिनल लगाएं और लीड लगाएं तो उसको अच्छे से ठोक के पूरा नीचे बैठाल के उसके बाद कसें, मतलब इसे ठोकें नहीं, अच्छे से खोल के उसका पेच फिर पूरा बैठाल के फिर कसें, ऐसे ही इसको भी ऐसे ही करना है और ठोकना नहीं है, खूंटी कमज़ोर हो जाती है और टूट जाती है। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, इसकी बैटरी में हमको खोलना नहीं है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और ये देख सकते हो आप बिल्कुल इधर प्लेन है, और ये स्टिकर है, और ये हैंडल है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है वारंटी पीरियड इन मंथ्स 18, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट, ये सब यहाँ पर, बाकी सब यहाँ पर लिखा होगा, जो भी आपको चाहिए आप वो देख सकते हो। अगर मैं दोस्तों इसके MRP की बात करूँ तो दोस्तों इस पे MRP जो है वो यहाँ पर 7803 रुपये, इस पर आपको 1% या फिर 2% डिस्काउंट भी हो जाएगा। आपके इलाके में क्या है, कितना है, वो मुझको नहीं पता है, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत A1 बैटरी है, 35 ट्रैक्टर महिंद्रा ट्रैक्टर सुराज 855 सोनालिका 60, जितने भी बड़े से बड़े ट्रैक्टर हैं सब पे रख सकते हो आप, दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ आप अगर इन्वर्टर पे चलाना चाहते हो तो आप इन्वर्टर पे भी लगा सकते हो, लेकिन आपको गारंटी इतने की ही मिलेगी 18 महीने की, और आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर 1% भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए। चलते हैं किसी और वीडियो तक, फ्रेंड्स बाय बाय, गुड बाय। ये मेरी इन्वर्टर और बैटरी की शॉप है, जो भी नॉलेज होती है आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज़।